में शिकायत करते हुए कहा कि जेठानी उस पर बौद्ध धर्म अपनाने का दबाव बना रही है। दिवाली के दिन उसे लक्ष्मी पूजन तक नहीं करने दिया गया। विरोध करती हूँ तो पति पीटता है। जेठानी भी मारपीट करती है। दहेज में 5 लाख रुपए और कार लाने के लिए उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। महिला 2.5 महीने की गर्भवती है। एडिशनल SP ने थाना प्रभारी को कार्यवाही के लिए कहा है। उपनगर मुरार थाना क्षेत्र के नर्मदापुरम कॉलोनी की रहने वाली 22 साल की विवाहिता ने जनसुनवाई में पहुंचकर ये शिकायत की। उसने पुलिस को बताया कि उसकी शादी थाटीपुर थाना क्षेत्र के नितिन नगर इलाके में रहने वाले भूपेंद्र सिंह से 20 जनवरी 2005 को हुई। शादी के समय परिवार ने 8 लाख रुपए का खर्चा किया था। वह शादी के बाद पहली बार विदा होकर ससुराल पहुंची तो उसके ससुराल में पति, सास, ससुर सभी लोगों ने उसे कम दहेज जुलाने के लिए ताना देना शुरू कर दिए। जेठानी बौद्ध धर्म को मानती है, वह लगातार उस पर बौद्ध धर्म अपनाने के लिए दबाव डाल रही है। यहाँ तक कि जेठानी ने दीपावली के दिनों से अपने घर में लक्ष्मी पूजन तक नहीं करने दिया। विवाहिता का कहना है कि वह 2.5 महीने की प्रेग्नेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका पति उसके साथ लगातार बेरहमी से मारपीट करता है। उसे एक बोतल पानी के साथ थोड़ा बहुत खाने को दे देते हैं। एडिशनल SP राजेश दंदोतिया ने बताया कि विवाहिता की शिकायतें गंभीर हैं। यही वजह है कि थाटीपुर थाना प्रभारी को तत्काल कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं। मेरी शिकायत है, मेरे ससुराल वाले मुझे आए दिन प्रताड़ित करते हैं, मारते पीटते हैं, और ना मेरी जेठानी बौद्ध धर्म को मानती है, और मेरी सब लोग मुर्सी में उलते हैं कि तू भी बौद्ध धर्म, लेकिन मेरा कल्चर बौद्ध धर्म का है ही नहीं, मैंने कभी बौद्ध धर्म को माना ही नहीं। हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे सुबह एक बोतल पानी देते हैं, चाहे दिन भर मैं मरूँ चाहे मैं 2.5 महीने प्रेग्नेंट हूँ। उन्होंने मेरे से बोला कि ये क्या है, व्रत रोज पूजा पाठ करती है क्या, घंटी सी बजाती रहती है, क्या होती है ये भगवान के कभी चार चार किसी के होते हैं चार चार रात, क्या होती है लोड़ी काल का, क्या कुछ पति मेरा कुछ नहीं करता, लेकिन मेरे ससुर जी ने जिम्मेदारी ली थी कि मैं इतना कमाता हूँ कि मेरे बच्चे बैठ के खाएंगे मर भी जाऊँ। फरियादी के द्वारा जनसुनवाई में आकर ये कंप्लेंट की गई है कि उसको परिवार के जन परेशान कर रहे हैं और बौद्ध धर्म वाली बात कर रहे हैं, तो इस आधार पर उसकी शिकायत को संज्ञान में लेकर तत्काल थाना प्रभारी महिला थाना प्रभारी को बताया है और उसमें कार्रवाई कराई जा रही है।